नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो ब्लाउज होते हैं उसमें आर्म होल में बगल में झोल क्यों आते हैं। जैसे कि आपने ऊपर जो इमेजेस मैंने लगाई हुई है उसमें देखा है, और आप देखिए इस तरह से झोल क्यों आता है। ब्लाउज में झोल आने के कारण क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, जिस तरह से पहले हम फर्मा कटिंग करते हैं, सबसे पहले तो आपको ब्लाउज की जो भी आप जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज बना रहे हो उसकी आपको फर्मा कटिंग करनी है। और अगर आप फर्मा कटिंग नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको एक स्टेप बताऊंगी। ब्लाउज को खोल करके उसका फर्मा बना लिया जाता है। आपका जो भी पुराना ब्लाउज हो आप उसे खोल करके सुंदर सा फर्मा तैयार कर लें। जो भी पार्ट्स हैं उन्हें आयरन करें ताकि वो एक अच्छा फर्मा बन जाए। जब वो आपके पास में पुराने ब्लाउज का फिटिंग के ब्लाउज का फर्मा है उससे आप पेपर पे फर्मा या जो गत्ता होता है टाइट उस पे आप अपना फर्मा बना करके रख लें। उससे आप ब्लाउज की स्टिचिंग करें, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो जितना हमारा चेस्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंग अगर आप शोल्डर और आर्म होल लेते हैं तो आपका जो यहाँ पे जो झोल आता है वो नहीं आएगा। शोल्डर क्या होते हैं, देखिए ये जो हमारे नेक से लेकर के जो चौड़ाई होती है ना, ये हमारे ब्लाउज के शोल्डर्स हैं। नेक विड्थ को छोड़कर के जो स्पेस होता है ना, ये शोल्डर होते हैं। यहाँ पे हमारा ब्लाउज मोस्टली टिका हुआ होता है शोल्डर के ऊपर, और ये होते हैं आर्म होल। आर्म होल भी चेस्ट के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। मैंने इस चार्ट के अंदर देखिए, जैसे सीना है 32, 34, 36 और 38, ये चार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। 32 अगर आप चेस्ट लेते हैं तो आपको जैसे नेक के हिसाब से चेंज करना होता है। आर्म होल तो सभी में एक बराबर होंगे, ये आर्म होल तो, किंतु जो शोल्डर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे हम गला आगे का 5, ये जो नेक है 5-5 ही बनाते हैं आगे और पीछे से, तो आपको यहाँ पे शोल्डर 6.25 इंच तक आप रख सकते हैं, 6 इंच या 6.25 इंच। अगर आप 32 चेस्ट में 6 और 7 गला रखते हैं, आगे का गला 6 इंच और बैक साइड का 7 इंच रखते हो, तो आपको यहाँ पे शोल्डर 5.5 इंच लेने होते हैं, ठीक है। और अगर आप 32 चेस्ट में 6 और 9 यानी 6 आगे का गला और 9 इंच पीछे का गला रख रही हो तो आपको शोल्डर कितने लेने होंगे, यहाँ पे 5.25 दिया है चेस्ट का छठा भाग, तो यहाँ पे आपको 5 इंच लेना है। जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना उससे 1/4 इंच कम रखना, कभी भी ज़्यादा मत रखना। और अगर आप 6 इंच आगे का गला और बैक साइड का 11 इंच नेक रख रहे हो, गला रख रहे हो, डीप नेक रख रहे हो, तो आपको यहाँ पे शोल्डर कितने लेने होंगे, 5 इंच दिया हुआ है चेस्ट का 6.5 भाग, यहाँ पे आपको 4.75 लेना है, 4.5 1/4 इंच कम कर देना है, ठीक है ना। अब रहे आर्म होल की बात, तो आर्म होल 32 साइज में 5.5 इंच लेते हैं हम लोग, पर यहाँ पे ये क्या है 5.5 इंच टोटल करना, ये 1/2 इंच का यहाँ पे सेप चला जाता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे हम तिरछा सेप लगाते हैं नेक लाइन से लेकर के यहाँ पे हम 1/2 इंच के कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल कितना रहता है, 5 इंच रहता है, तो हमें ये आर्म होल 5 इंच ही रखना है 32 साइज में। अगर आप ये वाला सेप नहीं लगा रहे हो तो आपको ये जो आर्म होल है ना 5 इंच रखने हैं। अगर आप 5.5, 6.5 या 6 इंच ले लिया यहाँ पे, तो ये आपका देखिए, अभी मैं बताती हूँ कि ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो लाइन है ना ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा होते ही यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद जो है इसका मेंटेन बिगड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाती है फिर ये और बढ़ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से जितना लूज होगा तो फिर क्या होगा, चुन्नटी आएगी ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये जितना हमें ज़रूरत है ना उतनी, इसका एक और है सॉल्यूशन, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे ये बाजू का जो राउंडर होता है ना, बगल है आपकी, बगल के अंदर आप इस तरह से इंची टेप को गोल करके नाप लीजिए, जैसे आ रही है 32 साइज में 12.5 या 13 इंच आ रही है बगल की जो चौड़ाई गोलाई है वो, ठीक है ना। इस तरह से 12.5 इंच आ रही, तो आपको कितना चाहिए, 6.25 इंच चाहिए। तो आप इस तरह से जांच लें कि आपकी 6.25 है या नहीं है। तो यहाँ से इस पॉइंट से देख करके हम देखते हैं यहाँ पे 6.25 से हल्का सा ज़्यादा ही है,
सवा छः, 13 इंच हो तो 6.5 इंच रहना चाहिए, 12.5 इंच हो तो 6.25 इंच रहना चाहिए, फिर 12 इंच हो तो आपका आपकी बगल की गोलाई 12 इंच हो तो आपको 6 इंच इस तरह से रहना चाहिए। हल्का सा लूज होता है तो चलता है, हल्का सा, आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा लूज है और वह ज़रूरी चाहिए, वह ज़रूरी। अगर थोड़ा सा लूज नहीं होगा तो आपका ब्लाउज मूवमेंट नहीं करेगा, फंस जाएगा, ठीक है ना। हमें अपने ब्लाउज को मूवमेंट भी कराना है और हमें चुन्नट भी नहीं रखनी है, तो इसलिए हम बगल की गोलाई को नाप करके इस चीज़ को आप चेक कर लें, आपकी ये चीज़ बिल्कुल बराबर है तो आपका ब्लाउज मूवमेंट भी करेगा और यहाँ पे आपको चुन्नट भी नहीं आएगी। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा और जो जो मैंने आर्मोल दिए हुए हैं उसी के हिसाब से साइज के अकॉर्डिंग, जैसे 36 में 6 इंच है, उसके बाद में आपको ये 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इस तरह से शेप लगा देना है नेक लाइन की ओर से यहाँ तक, तो फिर आपको कभी भी चुन्नट नहीं आएगी, बगल में आपके झोल नहीं आएगा। डर जो है वो आपको नेक के अकॉर्डिंग लेने होते हैं। ये जो शोल्डर होते हैं, देखिए ये जो शोल्डर होते हैं ये कम या ज़्यादा करने पड़ते हैं, कब, जब हमारा बेक साइड का जो नेक है वो डीप हो, तो इस चीज़ों को आपको चेंज करना होगा। यहाँ पे मैंने दिए हुए सभी साइज के अकॉर्डिंग और ये चार्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि चेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो नेक विड्थ है, जो शोल्डर है, जो आर्मोल है वो कैसे लेते हैं। जितना हमने इसमें शोल्डर दिया हुआ है उसमें आप थोड़ा सा कम रखिएगा तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा ब्लाउज का चार्ट है। सभी ब्लाउज में टक्स पॉइंट कितना लेते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है, जैसे ये 34 साइज का ब्लाउज है, ठीक है, 34 का थर्ड भाग कितना होता है, 34 का थर्ड भाग हो गया 11.5 इंच, आप देख सकते हो। जैसे हम बेल्ट का ब्लाउज बनाते हैं ना, तो उसमें ये जो लाइन होती है ना, ये लेने के लिए बेल्ट क्रॉस पट्टी को जॉइंट करने वाली लाइन होती है जो चेस्ट का थर्ड भाग होता है, तो आपने देखा मैंने यहाँ पे थर्ड भाग का पॉइंट लगा दिया है। इसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा नीचे क्यों लिया है, ये जो सिम का हम लेते हैं ना एक्स्ट्रा, इसकी लेंथ में वो आधा ऊपर वाले में लिया है मैंने, आधा नीचे वाले में। जैसे मैंने 1 इंच इसकी लेंथ में एक्स्ट्रा लिया है वो सिम के लिए, ये दोनों पार्ट्स को जब जॉइंट करेंगे तो हमें सिम चाहिएगा, वो यहाँ आधा इंच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और आधा इंच नीचे में हो गया है, तो टोटल इसकी लंबाई हमने कितनी ली है यहाँ पे एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा ले ली है टोटल लेंथ में, ठीक है। और ये जो बेल्ट की है ऊपर वाले की, 11.5 इंच लेंथ पे एक पॉइंट लगा करके फिर सिम का एक्स्ट्रा ले लिया। अब हो गया टक्स पॉइंट का, टक्स पॉइंट का आज मैं आपको सब साइज का बता देती हूँ। यहाँ पे हम अगर 30 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लेंगे, देखिए 8.25 इंच पे ये हमारी टक्स पॉइंट होगी, ठीक है ना। और बेल्ट की कटिंग करेंगे हम चेस्ट का थर्ड भाग यानी 10 इंच पे, ये हो गया हमारा 10 इंच यहाँ पे, और इसके बाद हम सिम का एक्स्ट्रा ले लेते हैं 1/2 इंच। तो ये दो पॉइंट मैंने बताए हैं 30 साइज के लिए। फिर 32 का होता है तो 32 के अंदर आपको लेना होता है 8.5 इंच टक्स पॉइंट हो गया, देखिए यहाँ से ये 8.5 इंच टक्स पॉइंट हो जाता है, और उसके बाद में 32 के लिए आपको 10.5 इंच पे ये पॉइंट लगाना होता है। तो ये मैंने 10.5 इंच पे एक पॉइंट लगा दिया है, फिर मैंने सिम का यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली 32 के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। और ये जो मैंने लाइन लगाई है 34 साइज की। इस तरह से चेस्ट का थर्ड भाग हर साइज के अंदर, फिर सिम का अलग लेते हैं। 40 साइज के बाद जो सिम का होता है ना, दोनों की सिम का, वो हम क्रॉस पट्टी में रख लेते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ को परफेक्टली देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया जी, टक्स पॉइंट है 8.25 इंच हो गया है 32 साइज के लिए, और 8.5 हो गए, सॉरी 8.5 32 साइज के लिए, 9.25 इंच 34 साइज के लिए, और 9 इंच 36 साइज के लिए। उसके बाद में 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच 40 तक चलेगा। तो फुल साइज के अंदर 38 के बाद में आप 9 इंच लगभग टक्स पॉइंट रखे हैं, चाहे वो कटोरी का ब्लाउज हो, चाहे वो बेल्ट का ब्लाउज हो, या फिर चाहे प्रिंसेस कट का हो, जो टक्स का हम पॉइंट लगाते हैं वो 9 या 9.25 इंच या 9.5 इंच तक ही हेल्दी ब्लाउज में चलता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और टक्स पॉइंट जो छोटे छोटे साइज होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप एक बार अपना ब्लाउज नॉर्मली कपड़े पर बना करके
फिर हमारे साथ अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके अनुभव है, हमारे साथ शेयर करें। और भी कोई डाउटिंग हो तो कभी भी आप हमसे पूछ भी सकते हैं, और हमने आपको अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, वहाँ पे भी आप अपनी जो है बात पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ, हम चाहेंगे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप अच्छे से अपने घर बैठ करके ब्लाउज सीख पाएँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में अभी मैं बता रही हूँ कि आप एक ब्लाउज को खोल करके और उसको कैसे फर्मा बनाएंगे, कैसे फिर आप उसको कपड़े पे रख कर उसकी कटिंग कर सकते हैं, तो वो भी आप देखिएगा कि किस प्रकार से ब्लाउज को अच्छे से खोल लिया जाता है, एक एक सिलाई, और उसके बाद उसका फर्मा बना लिया जाता है। तो आप ये वीडियो भी देखिएगा।